आदाब नाज़रीन, शर्मा न्यूज़ के स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल और मैं हूँ आपके साथ इंशान। अभी खबरों की करते हैं शुरुआत। आपके बालों की खूबसूरती का राज है आदिवासी हेयर ऑयल, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से भरपूर ये ऑयल आपके बालों को दे एक नई चमक और मजबूती। आदिवासी हक्की पिक्की कम्युनिटी की तरफ से तैयार करता आदिवासी हेयर ऑयल हेयर फॉल को कम करता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। आज ही ट्राई करें आदिवासी हेयर ऑयल, आपकी हेयर केयर की नेचुरल चॉइस। 100% ओरिजिनल डायरेक्टली MR ट्रेडर्स चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद। ये तेल सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद MR ट्रेड में मिल जाएगा, चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद। हिजबुल्ला ने इसराइल पर 30 रॉकेट दागे गई, ताहम इसराइल की हिफाजत करने वाले आयरन डोम ने इस पर कोई रद्दअमल नहीं दिया। 10 माह से ज़ायद अरसे से जारी जंग में जुल्म व बर्बरियत की नई मिसालें कायम करने वाली इसराइली फौज ने खान यूनिस में तीसरा बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। जनूबी गजा में खान यूनिस पर शदीद गोलाबारी। ईरानी सदर मसूद पजिकिस्तान का कहना है कि मगरिब के दौरे मैयार से इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों में हर रोज इजाफा हो रहा है। कहा कि इसराइली कार्रवाइयों से इलाकाई और आलमी अमन अमान के लिए खतरा बढ़ रहा है। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक गजा की 1.8% आबादी को शहीद कर दिया। फलस्तीनी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेंटेक्स के मुताबिक महसूर साहिली इलाकों में 24% अमवात नौजवानों की हुई जिनकी उम्र 28 से 18 साल के दरमियान थी। हमास ने अमेरिका को गजा में खौफनाक कत्लेआम का जिम्मेदार ठहराया। फलस्तीनी ग्रुप का कहना है कि महसूर साहिली एनक्लेव में इसराइल की तरफ से जंगी जराइम और नस्लकुशी का इर्तिकाब, अगर वाशिंगटन की कदायत में कुछ होता है तो मगरबी ताकतें इसकी जिम्मेदार हैं, चूँकि वो इनकी हिमायत कर रही है। दुनिया और न आखिरत कहीं भी आपको माफ़ नहीं करूंगी, बलकती फलस्तीनी बच्ची का दिलसोज वीडियो। कहा अरब ममालिक हमें देख रहा है और उन्हें हमारी मुश्किलात देखकर तस्कीन मिलती है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने तलबा तहरीक के दौरान इंटरनेट सर्विस बंद करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया। टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुशीर नाहिद इस्लाम ने कहा कि इंटरनेट बंद करने वाले जिम्मेदारान को नतायज का सामना करना पड़ेगा। इंटरनेट तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है, उसे रोकना या बंद करना इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है। यूक्रेन के फौजी दस्तों ने रूस में दाखिल होकर 30 किलोमीटर तक पेशकदमी की है। बरतानवी खबर रसा इदारे रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भी तस्लीम किया है कि यूक्रेन के दस्ते इसकी हदूद में 25 से 40 किलोमीटर तक दर आए हैं। बांग्लादेश तलबा के दबाव पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया है और अब तलबा ने अवामी लीग के हामी जामियात की इंतजामिया से भी इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारतीय मईशत की पोल खोल दी है। अडानी ग्रुप के शेयर्स गिर गए हैं। अडानी ग्रुप से मुतालिक एक रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रुप में हसस में 17% तक की कमी वाकई हुई है, ताहम अडानी ग्रुप ने इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। पीएम मोदी इस्तीफा दे, घोटाले की जांच पार्लिमानी ज्वाइंट कमेटी से कराई जाए। हिंडनबर्ग पर संजय सिंह का मुतालबा, कहा जब तक नरेंद्र मोदी वजीर आजम रहेंगे अडानी के मामला की छानबीन नहीं हो सकती। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अब ये काफ़ी हद तक वाजह हो गया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंडनबर्ग के इल्जामात की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तहकीकात से इतने खौफजदा क्यों है। राहुल गांधी ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि सीसी की सालमियत पर शदीद समझौता किया गया है, सीसी के चेयरमैन ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, राहुल गांधी का सवाल। बिहार के जहानाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ। सुधीरश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ बजने से 7 अफराद की अलमनाक मौत हो गई, जब तक दर्जनों जख्मी हो गए। मकामी लोगों का कहना है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को जुजवी तौर पर खोलने का हुक्म सादर किया। अदालत ने हाईवे को एम्बुलेंसेज, बुजुर्ग शहरी, खवातीन, तलबा वगैरह के लिए खोलने का हुक्म जारी कर दिया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने कोलकाता के RG कौर मेडिकल कॉलेज में एक खातून जूनियर रिसर्च डॉक्टर के कत्ल के वाके के खिलाफ पीर से मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों में गैर मुइना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने अपने दिन का आगाज कोरिया के सबसे बड़े सनती ग्रुप में से एक कॉर्पस LS से किया, जो पहले LG ग्रुप का हिस्सा था। इस ग्रुप के जिम्मेदारों के साथ वसीतर तबादले ख्याल किया गया।
मोहम्मद सिराज ने अपने ख्वाबों की महंगी कार खरीद ली है। हिंदुस्तानी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज अपनी जानलेवा बॉलिंग के लिए मशहूर है। मोहम्मद सिराज ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई सीरीज में 3 विकेटें हासिल कर ली। ये सिलसिला खत्म होने के बाद सिराज अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं। नागार्जुन सागर के 10 दरवाजों को खोल दिया गया है। पानी का खूबसूरत अंदाज में बहाव, सैयाहों की आमदरफ्त में इजाफा, पुरकशिश नज़ारों को देखने के लिए सैयाहों को डैम पर जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बगैर ड्राइवर से चलाने वाली कार में किया सफर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे अमरीका के मौके पर सान फ्रांसिस्को में बगैर ड्राइवर से चलने वाले वेमो कार में सफर किया। बाप और 2 कमसिन बेटियां ट्रेन की टक्कर से हलाक, हैदराबाद के मजाफात में हादसा। हैदराबाद में 2 कमसिन बेटियों को बचाने की कोशिश में बाप भी ट्रेन की जद में आ गया, जिसके नतीजे में इन तीनों की मौत हो गई। हैदराबाद के शमसाबाद एयरपोर्ट पर 1.5 किलो सोना पकड़ा गया, जो जूते और बैग में छुपाकर दुबई से लाया गया था। शमसाबाद एयरपोर्ट के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से हैदराबाद आने वाले तैयारे के एक मुसाफिर की डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने तलाशी ली। खुफिया इतला पर यह तलाशी ली गई थी। मुसाफिर के जूतों और कमर से लगे हुए बैग की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें तकरीबन 1.5 किलो सोना छुपा कर लाया गया था। हिंदुस्तानी पहलवान विनेश फोगाट के मामले को लेकर पेरिस ओलंपिक्स फेडरेशन की मुल्क भर में मजम्मत की जा रही है। खिलाड़ियों के साथ साथ पूरा मुल्क विनेश फोगाट की हिमायत में मुत्तहिद नजर आ रहा है। विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश की गई चौधरी नरेश टिकेट का बयान। पेरिस ओलंपिक 2024 का पीर को एक शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ इख्तिताम हुआ। इस इख्तितामी तकरीब में मनु भाकर और पीआर सुरजेश के हाथों में हिंदुस्तान का झंडा नजर आया, जबकि मशहूर शख्सियात में टाइम क्रूज और बिली एक्स ने शानदार परफॉर्मेंस दे दी। तो नाज़रीन, इतिहास की कुछ अहम खबरें। मजीद खबरों के लिए आप बने रहे शमा न्यूज़ के साथ। आदाब।